नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जुबिलेंट लाइफ साइंसेस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं जुबिलेंट लाइफ साइंसेस का जो बिज़नेस मॉडल है। तो जुबिलेंट लाइफ साइंसेस एक्चुअली मल्टीपल प्रोडक्ट्स में है, मल्टीपल ज्योग्राफीज़ में है और बहुत ही वास्ट बड़ा बिज़नेस है, फैला हुआ बिज़नेस है इनका। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इनका बिज़नेस 3 वर्टिकल्स में बटा हुआ है। हालांकि इसमें 2 वर्टिकल्स ही मेन है, तीसरे वर्टिकल से जो रेवेन्यू आता है वो मेजर नहीं है, लेकिन वो बेसिकली एक रिसर्च टाइप का वर्टिकल है जहाँ पे ये ड्रग डिस्कवरी करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो करते हैं। तो उस डिवीज़न से जो रेवेन्यू आता है वो माइन्यूट होता है, 1-2%। मेन जो आता है इनका जो रेवेन्यू आता है, मोर देन 50% आता है, वो फार्मास्यूटिकल्स से आता है। फार्मास्यूटिकल्स में भी ये लोग 3 डिफरेंट डिविजन्स में बटे हुए हैं। पहला हमारा स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल्स, जिसके अंदर ये रेडियो फार्मा और एलर्जी थेरेपी प्रोडक्ट्स में आते हैं, और इससे इनको जो रेवेन्यू आता है वो 31% का आता है। और सेकंड इनका है CDMO। CDMO क्या है? स्टेराइल इंजेक्टेबल्स और नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स और APIs। तो बेसिकली बहुत सारे जो स्टेराइल इंजेक्टेबल्स यानी कि जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं उसके प्रोडक्ट्स और APIs का जो डिवीज़न है उसको कहते हैं CDMO, और उससे इनका आता है 16%। और जेनरिक्स यानी कि जो जनरल दवाएं बेचते हैं लोग इंडिया में और बाहर, सॉलिड डोसेज फॉर्मुलेशंस एंड इंडियन ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स, तो इसके अंदर इनका आता है 12%। तो टोटल ये हमारा मोर देन 50% हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली ये 59% यानी कि 60% के करीब इससे इनका रेवेन्यू आता है। वहीं पे ही जहाँ लाइफ साइंसेज इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, इसमें भी 3 सब ब्रांचेज हैं। एक है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, जहाँ से इनका 11% का रेवेन्यू आता है। दूसरा है हमारा न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, जहाँ से इनका 5% का रेवेन्यू आता है। और तीसरा है हमारा लाइफ साइंसेस केमिकल्स, जहाँ से इनका 23% का रेवेन्यू आता है। तो टोटल ये अप्रॉक्सीमेटली 39% का रेवेन्यू यहाँ से और 59% का रेवेन्यू यहाँ से कमाते हैं, और बचा हुआ 2% ये यहाँ से कमाते हैं। अगर हम रीजन्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये कमाते हैं USA से 51%, इंडिया से कमाते हैं 27%, यूरोप एंड जापान से कमाते हैं 14%, एंड चाइना एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाते हैं 8%। तो आप देख सकते हैं बेसिकली इंडिया और USA में इनकी सबसे ज़्यादा पकड़ है, और अप्रॉक्सीमेटली 80% रेवेन्यू इन 2 जगह या देशों से आता है। अगर हम बात करते हैं एबिटडा की यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी की, तो सबसे ज़्यादा जो इनका प्रॉफिटेबल डिवीज़न है वो है फार्मास्यूटिकल्स, और ये कंट्रीब्यूट करता है 75% ऑफ एबिटडा। आपने देखा ये रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है 60% के करीब, लेकिन जो एबिटडा को कंट्रीब्यूट करता है ये 75% करता है। वहाँ पे लाइफ साइंसेज जो कि आपके रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है 39%, लेकिन एबिटडा को कंट्रीब्यूट करता है 24%। और जो DDDS है वो रेवेन्यू में 2% और एबिटडा में 1% की हिस्सेदारी रखता है। तो ये मोटा माटी इनका एक बिज़नेस मॉडल है, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं 3 स्ट्रीम्स में बटे हुए हैं, फार्मास्यूटिकल्स, लाइफ साइंस इंग्रेडिएंट्स, और तीसरा इनका रिसर्च डिवीज़न हम कह सकते हैं। उसमें भी हर एक डिवीज़न सब डिवाइड है अलग 3 ब्रांचेस में, स्पेशलिटी फार्मा, CDMO, जेनरिक्स, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स एंड लाइफ साइंसेस केमिकल्स। अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी 1.3 बिलियन की है, इंटीग्रेटेड ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स एंड लाइफ साइंसेस कंपनी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इनकी स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल्स में, यानी कि रेडियो फार्मा और एलर्जी थेरेपी प्रोडक्ट्स, जो कि इनका स्पेशलिटी फार्मा डिवीज़न है, जहाँ से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। इसमें ये रेडियो फार्मा और एलर्जी थेरेपी प्रोडक्ट्स में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं। इनके पास 6 यूनिट्स हैं, जिसमें कि 4 तो नॉर्थ अमेरिका में, 2 इंडिया में, 6 USFDA अप्रूव्ड यूनिट्स हैं और 5 उससे अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में। एक्सपर्टीज इनका केमिस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पैनिंग ओवर 4 डेकेड्स, यानी कि पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं, 8,000 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है। अगर हम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो हमने जैसे कि बात करी, सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है इनका स्पेशलिटी फार्मा। आप देख सकते हैं इनका रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। पहले जो इनका स्पेशलिटी फार्मा का रेवेन्यू था वो था केवल 49.9, अब इनका स्पेशलिटी फार्मा का रेवेन्यू हो गया 53.2। उसमें से भी जो रेडियो फार्मा है उसमें इनको काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, 46.4
जो कि 43 था एक साल पहले, तो आप देख सकते हैं 3.5% जो इनका रेवेन्यू रेडियो फार्मा है सबसे ज़्यादा वहाँ बढ़ रहा है, सबसे अच्छी बढ़त इनको वहाँ देखने को मिल रही है। अगर हम डिफरेंट बिजनेसेस की बात करते हैं जो इन्होंने ओवर द टाइम एक्वायर किए हैं, तो ये कंपनी मल्टीपल बिजनेस एक्वायर करके आगे बढ़ती गई है। जैसे कि इन्होंने अपना API बिजनेस एक्वायर किया नागंजुगुड़ कर्नाटका इंडिया। इसी तरह से इन्होंने बाहर भी बेल्जियम में एक बिजनेस एक्वायर किया, कैडिस्टा होल्डिंग्स को एक्वायर किया जो कि US की कंपनी है। इसी तरह से इन्होंने एक और कंपनी एक्वायर की होलिस्टर स्टायर लेबोरेटरीज, ये CMO सर्विस प्रोवाइडर थी। इसी तरह से इन्होंने एक और कंपनी एक्वायर करी डायरेक्सिस फार्मा कनाडा में, और हाल ही में इन्होंने एक और एक्विजिशन कराया जो कि है ट्रायड रेडियो फार्मेसीज। तो आप देख रहे हैं कंपनी मल्टीपल एक्विजिशंस करते रहती है टाइम बाय टाइम और अलग अलग ज्योग्राफीज में करती है, जिससे इनका उस ज्योग्राफी में अच्छा होल्ड बन जाए। तो सबसे पहले हम इनके सबसे बड़े बिजनेस यानी कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस के बारे में अगर कुछ बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं न्यूक्लियर मेडिसिन इंडस्ट्री इन US, यानी कि US में इनका रेवेन्यू बेस इतना बड़ा है कि ये थर्ड लार्जेस्ट हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर में। इनकी दवाइयाँ ज़्यादातर कार्डियोलॉजी, पल्मोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंडोक्राइनोलॉजी एज वेल एज बोन, ब्रेन और रीनल इमेजिंग में यूज़ करी जाती है। अगर हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वो फार्मा इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हम हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं जब भी हम कोई टेस्ट कराते हैं। तो आपने ऐसे बहुत सारे आज के डेट में टेस्ट सुने होंगे जो पहले नहीं होते थे, तो ये टेस्ट हमारे क्यों हो पाते हैं, क्योंकि हम रेडियो एक्टिव मटेरियल भेजते हैं और जैसे जैसे वो शरीर के बॉडी के अंदर जाता है हम उसको ट्रैक करते हैं, तो हमें अंदर अगर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम या रुकावट है उसका पता चल जाता है उससे। तो ऐसी मल्टीपल जगहों पर ये यूज़ होता है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, हार्ट से रिलेटेड, एंडोक्राइनोलॉजी, बोन, ब्रेन, रीनल, तो ऐसी मल्टीपल जगह उस पर ये यूज़ होता है। इनके पास ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे ये अपनी दवाओं को ऐसी रेडियो फार्मेसी को बेचते हैं। तो US में ये जाते हैं और रेडियो फार्मेसी जहाँ पे इस तरह के टेस्ट होते हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और वो फिर इनकी ही दवाइयाँ यूज़ करते हैं। इनके पास जो USFDA मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो किर्कलैंड मॉन्ट्रियल में है, रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स जो बनाती है। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इनके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं कुछ उनका नाम हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि इनका एक प्रोडक्ट है ड्रेक्सिमेज DTPA, ये लंग वेंटिलेशन और रीनल इमेजिंग के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से हाइकॉन सोडियम आयोडीन 131 सॉल्यूशन, ये यूज़ होता है थायराइड डिसीजेस के लिए। रूबीडियम RB82 जनरेटर एंड रूबीडियम एल्यूजन सिस्टम, ये मायरोकार्डिकल बेसिकली ये हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ के लिए यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं इनके पास काफ़ी सारी इस तरह की दवाइयाँ हैं और ये इनका बेस्ट बिजनेस है, यानी कि सबसे ज़्यादा इनकम इनको इसी बिज़नेस से आती है। अगर हम इनकी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो ये अपनी रूबी फिल में ये अपनी जो मार्केट शेयर है ये बढ़ाना चाहते हैं। रूबी फिल इनकी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट दवाई है जो कि इस रेडियो फार्मास्यूटिकल बिज़नेस की, और ये अपनी जो लीडरशिप पोजीशन है जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में जहाँ पे लीडर हैं ये उसको और ज़्यादा पेनिट्रेशन करना चाहते हैं। इसी तरह इनका जो दूसरा बड़ा बिज़नेस है वो है एलर्जी थेरेपी बिज़नेस। एलर्जी थेरेपी बिज़नेस में भी ये US में नंबर 2 पे आते हैं, नंबर 2 प्लेयर हैं ये एलर्जिक एक्सट्रैक्ट मार्केट में। अगर हम इनके कुछ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इनके 200+ प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें इनके पास 6 इंसेक्ट वीनम प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली ये इंसेक्ट्स के अंदर का जो वेनम होता है उसको निकाल के मेडिसिन बना के बेचते हैं। तो ऐसे बहुत सारी एलर्जीज़ ये लोग ट्रीट करते हैं और ये सोल प्रोड्यूसर एंड सप्लायर हैं वीनम प्रोडक्ट्स के फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज इन US। तो आप देख सकते हैं इनका ये मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस है, वहाँ पे और कोई ये काम नहीं करता है, ये वेनम प्रोडक्ट्स यही लोग बना के बेचते हैं। तो ये बिज़नेस एक काफ़ी अट्रैक्टिव बिज़नेस है जो कि उम्मीद करी जा रही है वो आगे बढ़ता रहेगा एट अ CAGR ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9% US में। आप पढ़ सकते हैं वीनम इम्यूनोथेरेपी इज़ कंसिडर्ड इफेक्टिव फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोटेंशियल एलर्जिक रिएक्शन टू हाइमेनोपेट्रा स्टिंग्स, और जो इन्होंने कंपनी एक्वायर करी थी जुबिलेंट होलिस्टर स्टायर एलर्जी, ये इनका सोल सप्लायर है फॉर वीनम इम्यूनोथेरेपी इन US। तो काफ़ी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, इनके ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है इस बिज़नेस में, और पूरी इंडस्ट्री ये 9% से ग्रो कर रही है और उसके साथ साथ ये इससे भी तेज़ ग्रो कर सकते हैं इस मार्केट में।
इसके बाद इनका आता है सॉलिड डोसेज फॉर्मुलेशन बिजनेस। तो ये बेसिकली जो सॉलिड डोसेज यानी कि ये दवाइयाँ बना के बेचते हैं, उसमें से बहुत सारी, क्योंकि दवाइयाँ आप पेटेंट ख़त्म होने वाले, आप देख सकते हैं 2019 में 12.6 बिलियन, 20 में 11.6 बिलियन, 21 में 5.2 और 22 में 14 बिलियन। तो काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जहाँ पर हम पेटेंट ख़त्म होते हुए देखेंगे, जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ऑलरेडी इस कंपनी ने काफ़ी सारी ANDA फाइलिंग्स कर रखी हैं US में, यानी कि ये फाइलिंग्स ये करते हैं USFDA के साथ, और USFDA इनकी दवाइयाँ अप्रूव करता है, जिसमें से अभी भी 36 पेंडिंग है। ये मार्केट लीडर है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में, साथ ही साथ ये कंपनी फुली बैक इंटीग्रेटेड है, और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो सेलिसबरी USA में है, और दूसरी है रुड़की इंडिया में। ये नंबर वन प्लेयर है 4 प्रोडक्ट्स में, और 45% शेयर है इनका ईच ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स। तो इनके जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो नंबर वन पे हैं इसमें भी, तो डिफरेंट बिजनेसेस में इनके काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो कि टॉप पे चलते हैं। अगर इनके स्पेशलिटी इंटरमीडिएट एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की बात करी जाए तो उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पायरिडीन्स, विटामिन B3, विटामिन B4। अगर आप कहेंगे विटामिन B4, तो इंडिया में इनका 64% मार्केट शेयर है, यानी कि 64% विटामिन B4 केवल जुबिलेंट बेचता है। ग्लोबली बात करते हैं तो विटामिन B3 16%, पायरिडीन्स 22%, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में ये लोग ऐसे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो इंडिया में भी और बाहर भी यूज़ होते हैं। अगर इनके एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 65% बिजनेस एक्सपोर्ट से आया था FY19 में। इनके जो सर्विस ये प्रोडक्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड अदर लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज, सभी लोग यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं इनके नेक्स्ट बिजनेस पे, जो कि इनका है लाइफ साइंसेस केमिकल। लाइफ साइंसेस केमिकल में इनके दो मेन मेजर प्रोडक्ट्स हैं, एक है एसिटिक एनहाइड्राइड और एक है इथाइल एसीटेट। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं मार्केट शेयर पूरे वर्ल्ड में 15% और 4%, और इंडिया में 71% एंड 33%। तो जिस भी प्रोडक्ट में ये लोग काम करते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मोनोपोली बना के रखते हैं। 70% 1% मार्केट शेयर होना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये शेयर इनका दिखाया हुआ है, और ये वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं इन प्रोडक्ट्स के। साथ ही साथ इन्होंने एक नया प्लांट लगाया है, जो एसिटिक एनहाइड्राइड प्लांट लगाया है, जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, और ये ओवर 300 करोड़ रेवेन्यूज़ देगा यहाँ, तो 300 करोड़ रेवेन्यूज़ इनको और देगा। तो कंपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में अलग अलग जगह ये डाइवर्सीफाई या अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रही है। साथ ही साथ कंपनी एक काम और कर रही है, जहाँ पर कंपनी कह रही है कि हम अपने जो दोनों बिजनेसेस हैं, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस को अलग कर देंगे, और जो स्पेशलिटी केमिकल्स और लाइफ साइंसेस का केमिकल्स का बिजनेस है उसको अलग कर देंगे। ये इथेनॉल के भी सबसे काफ़ी बड़े लार्जेस्ट सप्लायर्स हैं, जो कि हमने देखा है कि जब सरकार ने थ्रस्ट दिया इथेनॉल ब्लेंडिंग पे, तो इनको भी उससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। इन्होंने काफ़ी सारे एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स विद हायर वॉल्यूम एंड प्राइसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक करे हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड और इथाइल एसीटेट, जो कि हमने कहा ये दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं इनके, इनका जो यूज़ होता है वो फार्मा, एग्रो, ड्रग्स, डाई सेक्टर्स में होता है। तो हम लोग अगर हाइलाइट्स देखना चाहें इनके डिफरेंट बिजनेसेस की, तो हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में नंबर 3 पे हैं, कमर्शियल रेडियो फार्मास्यूटिकल्स नेटवर्क में नंबर 2 पे हैं, स्पेशलिस्ट हैं ये लंग, थायराइड, बोन और कार्डियक इमेजिंग प्रोडक्ट्स में। नंबर 2 प्लेयर्स हैं ये एलर्जिक एक्सट्रैक्ट मार्केट में, US में हमने देखा ये 6 इंसेक्ट वैनम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और ये सोल सप्लायर हैं, सोल प्रोड्यूसर हैं वैनम प्रोडक्ट्स के US में, यानी कि कोई और नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं CMO की, तो ये सर्व 7 out of top 20 फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बेस्ड ऑन रेवेन्यू। काफ़ी लंबे रिलेशनशिप्स हैं इनके कस्टमर्स के साथ, सभी कस्टमर्स के साथ कम से कम ये 10 साल के रिलेशनशिप बना के रखते हैं, तो ये इनको हमेशा ऑर्डर सप्लाई इनकी तरफ से आता रहेगा। इनका जो रेवेन्यू है वो रिकरिंग है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। API में भी हमने बात करी कि इनके ग्लोबल मार्केट शेयर कुछ प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा है। ऑक्सीकार्बाज़ेपाइन में इनका ग्लोबल मार्केट शेयर 30% है, कार्बामेज़ेपाइन में इनका ग्लोबल मार्केट शेयर 20% है। सिमिलरली सॉलिड डोसेज प्रोडक्ट्स में ये नंबर 1 प्लेयर हैं 4 प्रोडक्ट्स में, और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में लीडर हैं 11 फाइन प्रोडक्ट्स में। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं विटामिन B3 के, ग्लोबल लीडर हैं ये प्रोटीन्स एंड डेरिवेटिव्स में। तो हमने देखा है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में लीडर हैं, और काफ़ी एक तरफा लीडरशिप है इनकी, काफ़ी हाई परसेंटेजेस हैं जहाँ भी ये अच्छा कर रहे हैं।
लाइफ साइंसेस केमिकल्स में हमने देखा ये एसिटिक एनहाइड्राइड में ग्लोबली टॉप फोर में आते हैं, ग्लोबली सेवन में आते हैं इथाइल एसीटेट में। तो इस तरह से इनका बिजनेस है, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है इनका, अलग अलग डिविजन से हमने देखा कि स्पेशलिटी फार्मा जो कि इनका मेजर रेवेन्यू सोर्स है वहाँ पे, ये यूएस में बहुत ही अच्छी पोजीशन कमांड करते हैं, एक बिज़नेस में नंबर थ्री, एक बिज़नेस में नंबर टू, और जो वेनम बिज़नेस है वहाँ पे इनकी मोनोपोली है, वहाँ और कोई नहीं करता है। सिमिलरली जो इनका सीडीएमओ का बिज़नेस है वहाँ पे ये एपीआई में ग्लोबल मार्केट शेयर अपने प्रोडक्ट्स में 20-30% रखते हैं, और साथ ही साथ जो भी ये कंपनीज़ को सप्लाई करते हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के रखते हैं 10 साल के। टॉप 20 फार्मा कंपनीज़ में 7 कंपनीज़ को ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स देती है। अगर जेनरिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी इनके 4 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये नंबर वन पे हैं और 45% से ज़्यादा शेयर है। अगर हम बात करते हैं यूएस, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी कंट्रीज़ में इनके पास 55 प्रोडक्ट्स हैं, और अगर स्पेशलिटी इंटरमीडिएट और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये विटामिन B3 के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, 11 फाइन इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स में ये लीडर हैं, ग्लोबल लीडरशिप है इनकी पिरिडीन्स एंड डेरिवेटिव्स में, टॉप फोर में आते हैं ये एसिटिक एनहाइड्राइड में, और इथाइल एसीटेट में ये नंबर 7 पे आते हैं। तो इस तरह से इनका बिजनेस पूरा फैला हुआ है, इनका बिजनेस पूरी तरह से बैकवर्ड और फुली इंटीग्रेटेड है जो कि इनको काफ़ी हेल्प करता है, यानी कि ये APIs भी बनाते हैं, फॉर्मुलेशन भी बनाते हैं, यानी कि ये फॉर्मुलेशन मतलब फाइनल दवाई, API मतलब जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जो उसका चूर्ण यूज़ होता है उसको API, तो ये सभी जगह फुली इंटीग्रेटेड है। सिमिलरली हम ये देख रहे हैं कि ये CMO और रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड एलर्जी दोनों जगह हैं, यानी कि जितनी भी इनकी किट्स हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड एलर्जी प्रोडक्ट से आर मैन्युफैक्चर्ड एट CMO फैसिलिटी, यानी कि इन किट्स को मैन्युफैक्चर भी करते हैं, साथ ही साथ ये इनको आगे जाके बेचते भी हैं, और जितनी भी ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं ये रेडियो फार्मेसीज के साथ इन्होंने टाई अप्स कर रखा है, यानी कि इनके पास डायरेक्ट एक्सेस है मल्टीपल हॉस्पिटल्स का, और ये 3 मिलियन पेशेंट डोसेज एनुअली देते हैं। तो खुद से ये बनाते हैं, फिर उनको बेचते हैं, और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है, तो पूरे एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है, पूरी चेन इन्होंने बनाई हुई है। सिमिलरली लाइफ साइंसेज में भी हम देखेंगे कि इनके पास काफ़ी कुछ ये प्रक्योर्ड है, कैप्टिव मतलब जो इनके पास बन रहा है, और कुछ ये सेल कर रहे हैं, तो उसमें भी इनका पूरा एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स को लेके फिर डिफरेंट केमिकल्स बना रहे हैं और फिर उनको फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके उनसे फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो सारे ही केमिकल्स इनके पास खुद से यूज़ करके जो इनके पास निकल रहे हैं वो भी यूज़ करके, क्योंकि ये इनके कैप्टिव सेल्स हैं, यानी कि इनके पास से ही निकल रहे हैं फॉर्मल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, बीटा पेरिडीन, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, और इनमें ये कुछ और प्रोडक्ट्स मिला के ये पूरे इस प्रोसेस को इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, और इनके पास सारा रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक सब कुछ ये खुद ही बना पा रहे हैं। हमने देखा कितनी डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस मॉडल है, काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, काफ़ी जगहों पे ये फैले हुए हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इनकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी पाइपलाइन की, आने वाले इनकी पाइपलाइन कैसी है, तो इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है कि आगे भी इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो कि इनके अप्रूव होने बाकी हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं 30 September 2019 के हिसाब से इन्होंने टोटल इतनी फाइलिंग्स करी थी, टोटल इतने अप्रूवल और इतने पेंडिंग है, यानी कि अभी इतने प्रोडक्ट्स और हैं जो यूएस में पेंडिंग है, 3 प्रोडक्ट्स यूरोप में पेंडिंग है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 5 प्रोडक्ट्स। सिमिलरली स्टेराइल कैटेगरी में इनके पास जो पेंडिंग है वो 2 और 1, तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी मार्केट में आने हैं। लाइफ साइंसेस प्रोडक्ट पाइपलाइन हम देख सकते हैं कि March 2018 तक 55 थे, FY19 में इनके पास 6 और आए, तो हर साल ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स अपने पाइपलाइन में ऐड करते रहते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके पास R&D सेंटर्स हैं इंडिया में, गुजरौला, नोएडा, अंबेरनाथ, भरूच, 147 पेटेंट्स इन्होंने फाइल करे हैं FY19 तक। तो ओवरऑल इनका जो बिज़नेस है काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन है, और ये कंपनी काफ़ी अच्छी रिसर्च करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो इनके रेडियो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में आने वाले हैं, और काफ़ी बड़ा साइज है इसका, $300 मिलियन का साइज़ है, I-131 MIBG। अगर हम इनकी लोकेशंस की बात करते हैं कहां कहां पे इनकी फैसिलिटी है, तो हमने बात करी थी इनकी टोटल देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 फैसिलिटीज़ तो इनकी USFDA अप्रूव्ड हैं। टोटल इनकी 6 फैसिलिटीज़ USFDA अप्रूव्ड हैं, जिसमें कि 4 फैसिलिटीज़ तो नॉर्थ अमेरिका में और 2 फैसिलिटीज़ इंडिया में हैं, और 5 अलग से इनके पास
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में, तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इनकी ये फैसिलिटीज़ है। सैलिसबरी मैरीलैंड, स्पोकेन वॉशिंगटन, मॉन्ट्रियल कनाडा, रुड़की उत्तराखंड, और हाल ही में इनके रुड़की वाले प्लांट पे कुछ इश्यूज़ आए थे USFDA की तरफ से, जो कि कंपनी ने कहा है कि कंपनी ने उस पर काफ़ी काम करा है USFDA के साथ और हेल्थ कनाडा के साथ, जिससे कि वो इशू रिजॉल्व कर सकें। रुड़की फैसिलिटी को कंपनी का कहना है फिर से रीइंस्पेक्ट किया गया है और अब की बार इनको 6 ऑब्जर्वेशन मिली है जिसमें कि एक रिपीट ऑब्जर्वेशन है बस। तो कंपनी काम कर रही है इसके रिजोल्यूशन पे और उनको उम्मीद है कि ये ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर TGA भी इंस्पेक्ट करेगा इस क्वार्टर में, और कंपनी को GMP स्टेटस मिल चुका है, तो इस वजह से कंपनी को उम्मीद है ये बहुत ही जल्दी ये प्लांट भी इनको USFDA अप्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि USFDA और हेल्थ कनाडा दोनों जो GMP स्टेटस है उसको काफ़ी अहमियत देते हैं। तो जो भी इनका रेवेन्यू लॉस आका जा रहा था वो FY21 में आ जाएगा, और FY22 से कंपनी का जो भी रेवेन्यू लॉस होना था, क्योंकि यहाँ से USFDA की वजह से यहाँ से इनके नए प्रोडक्ट्स अप्रूव नहीं हो पा रहे थे, तो FY22 से कंपनी पूरी तरह से ट्रैक पर आ जाएगी और सारे इनके प्लांट्स फिर से USFDA अप्रूव्ड हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में, तो हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स किस तरह से बढ़ी हैं। आप सितंबर क्वार्टर से देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 3 साल में कंपनी ने अपनी सेल्स 1600 करोड़ से बढ़ा के 2300 करोड़ क्वार्टरली कर दी है। तो इसका मतलब कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 30% जैसा जंप अपनी सेल्स में ले आई है, 30-40% जैसा जंप्स। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो वो कंसिस्टेंटली 25% के करीब रहते हैं, कभी कभी ये 26% जैसे आते हैं। रिसेंटली ये 25 से 28 के बीच ही आ रहे हैं इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स, जो कि अच्छे कहे जा सकते हैं। कंपनी के साथ जो एक मेन प्रॉब्लम है वो इनकी हाई डेट। आप देख सकते हैं कंपनी कितना सारा इंटरेस्ट भरती है, हर क्वार्टर में कंपनी को 72-73 करोड़ का इंटरेस्ट भरना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं इनके ओवरऑल फाइनेंशियल्स की, यानी कि कैसा कंपनी ने करा है लास्ट 10 सालों में, तो आप देख सकते हैं जो इनकी सेल्स ग्रोथ रही है लास्ट 10 सालों में वो 10% की रही है। इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो इन लाइन विद सेल्स 11% रही है, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 4% रही है। सेल्स इन्होंने 10 सालों में अपनी 3700 करोड़ से 9100 करोड़ कर लिए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 गुना इनकी सेल्स हो गई है, और सिमिलरली 2.5 गुना इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हो गए हैं। नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस रहा है, लेकिन 400 करोड़ से ओवरऑल अभी 600 करोड़ के करीब है, तो जो हमारा नेट कैगर आ रहा है वो केवल 4% का आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कंपनी को इंटरेस्ट कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है। किसी साल तो उन्होंने 370 करोड़, 341 करोड़, 284 करोड़, 220 करोड़, तो 10 सालों में कंपनी 2600 करोड़ तो केवल ब्याज में भर चुकी है। अब हम चलते हैं इनकी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे हम देखेंगे इनकी छोटी इक्विटी है केवल 16 करोड़ की, रिजर्व्स हैं 4700 करोड़ के, लेकिन इनकी बोरोइंग्स काफ़ी हाई हैं। लेकिन कंपनी का कहना है कि ये बोरोइंग्स के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी इस डेट को भी धीरे धीरे कम करती जा रही है। और रिसेंट अगर कॉन कॉल की बात करते हैं तो कंपनी ने कहा है कि जो इनका नेट डेट बचा है अभी वो बचा है 3273 करोड़ रुपये का, और ये कंपनी ने करीब 217 करोड़ रुपए मार्च 19 से पे कर दिया है। तो कंपनी का कहना है कि वो धीरे धीरे डेट कम कर रहे हैं। हालांकि जब हम कंपनी के कैश फ्लोज देखते हैं तो कंपनी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। कंपनी के अगर हम कैश फ्लोज देखते हैं तो हम देखेंगे कि कंपनी ने लास्ट 10 सालों में 9000 करोड़ के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट करे हैं, और जो केपेक्स कराए 4600 करोड़ का कराए, उसके बाद भी कंपनी के पास जो फ्री कैश फ्लोज बच रहे हैं वो 4488 करोड़ के बच रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि इसमें से काफ़ी सारा तो कंपनी का इंटरेस्ट में देना पड़ जाता है, 2700 करोड़ तो कंपनी को इंटरेस्ट में ही देने पड़ गए। लेकिन कंपनी फिर भी अपने ऑपरेशन से जो कैश आ रहा है उसी से अपना केपेक्स कर पा रही है। तो अगर हम बात करते हैं कुछ एस्टीमेट्स की, तो ऐसा एस्टीमेट्स रिपोर्ट्स में आ रहे हैं कि इनका जो एस्टीमेटेड इस साल का EPS रहेगा वो 53 रुपये के आसपास रहेगा, और अगले साल यानी कि FY21 का रहेगा 65 रुपीज़ के आसपास, और FY22 का 67 से 68 रुपीज़ के आसपास। तो अप्रॉक्सीमेटली ये कंसेंसस है, इनका ऑलरेडी नाइन मंथ्स में FY20 में
इनका जो EPS आ चुका है वो करीब 40 रुपये का आ चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 12 रुपये जैसा एक और क्वार्टर का इनका आ सकता है। तो करंटली जो इनकी EPS है वो 53 रुपीज़ के करीब हम मान के चल सकते हैं, और अगले 2 सालों में मिनिमम इनकी जो EPS है वो 65 तक बढ़ने का अनुमान है। अगर आप इसको एक मॉडेस्ट 5-6 का भी मल्टीपल देंगे तो एक जो रेंज निकल के आती है इस स्टॉक के लिए वो करीब 300-400 के बीच की आती है। तो यहाँ पे इस रेंज में हमें लगता है कि स्टॉक में आपको बाइंग करनी चाहिए, ये एक अच्छा लेवल होगा स्टॉक के लिए बाइंग करने के लिए। यहाँ पे इसका मंथली चार्ट है, हमने देखा कि इसका जो मंथली चार्ट है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा है ये 300-370 के लेवल्स के बीच। तो ये हमारा एक वैल्यू बाइंग जोन बन सकता है स्टॉक के लिए। करंटली ये स्टॉक 448 इस प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये करीब 1000 रुपीज़ के ऊपर था जब इनके पास रुड़की फैसिलिटी के ऊपर USFDA की ऑब्जर्वेशंस आई, और ये स्टॉक ने काफ़ी पैनिक सेलिंग देखी और अप्रॉक्सीमेटली ये 240 रुपीज़ तक गया था, 100,000 रुपीज़ से 240 रुपीज़ तक, और अब ये दोबारा से जंप करके 500 तक गया था। लेकिन इनके बीच में अप्रॉक्सीमेटली 300-370 के बीच हमें इसमें एक अच्छा वैल्यू बाइंग जोन स्टॉक में दिखाई देता है। स्टॉक का बिजनेस मॉडल अच्छा है, जैसा कि हमने देखा कि मल्टीपल जगह मल्टीपल प्रोडक्ट्स इनके टॉप पे चलते हैं, कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा है लेकिन कंपनी अपने कैश फ्लो से उस डेट को कवर कर पा रही है। तो अगर आप लोगों को इस स्टॉक में ख़रीदारी करनी है तो इन लेवल्स पे ध्यान रखिए और इन लेवल्स पे ही इसमें ख़रीदारी करिए, ऐसी हमारी राय है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी राय ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।